गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द मूमेंट्स चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। द चैप्टर हैप्पी प्रिंस रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। द स्टोरी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द स्टैचू ऑफ ए हैप्पी प्रिंस एंड अ बर्ड स्वेलो। The statue is equipped with a smile on its lips, but soon the smile disappears and the tears roll down its cheeks. When the prince resided in a palace, he was happy as he never tasted the sorrow or tears. But when he died and saw the misery of his people, he became sad and wept. He decided to help them with his gold leaves and precious jewels and stones. The little swallow learns the reason of his weeping and decides to act as his messengers. He gives up the idea of going to his friends in Egypt. The happy prince gives away all his wealth. When the happy prince becomes blind, the swallow decides to stay back with him forever. The intense cold kills him. His death breaks the prince's heart. The statue is melted in the furnace, but its heart does not burn. The angel comes and carries the heart and the dead swallow to God. He finds them the noblest things on earth. God accepts them happily. The story gives out a strong message that even God loves those who help the needy and give away everything for their sake. ये जो स्टोरी है, ये हैप्पी प्रिंस का, ये एक स्टैचू रहता है हैप्पी प्रिंस का। दरअसल उस प्रिंस का नाम हैप्पी प्रिंस इसलिए रहता है कि जब वो जिंदा रहता है तो अपने जीवन में, महल में कभी भी दुख तकलीफ़ उसके पास तक नहीं पहुंचा था। वो हमेशा खुश था और खुश ही मर गया। तो लोगों ने उसका स्टैचू अपने बीच टाउन में लगा दिया गया। उसके जो स्टैचू बना हुआ था वो लीड का बना हुआ था, लेकिन उसके ऊपर गोल्डन लिप्स लगे हुए थे, उसकी आँखें उसके तलवार के बहुत सारे जगहों पर कीमती पत्थर लगाए गए थे। लेकिन हैप्पी प्रिंस जब स्टैचू बनकर खड़ा रहता है तो वो अपने नगर के गरीब दुखी लोगों को देखता है और वो दुखी हो जाता है। ठीक इसी बीच एक स्वेलो जो इजिप्ट के लिए जा रही थी, वो एक रात वहाँ पर रुकी। वो देखी कि अरे, रात में रुकने का एक अच्छा जगह मिल गया, मेरा घर जो है गोल्ड का बना हुआ है। लेकिन तभी बारिश की एक बूंद उसके ऊपर गिर पड़ता है। स्वेलो बर्ड ऊपर देखती है, इधर उधर कहती है कि अरे, आसमान में तो तारे हैं, फिर ये बारिश कहाँ से हो रहा है। फिर दूसरा बूंद गिर जाता है। स्वेलो बर्ड अब तैयारी करता है कि ये जगह अच्छा नहीं है, यहाँ छोड़कर चला जाए, क्योंकि ये बारिश से बचा नहीं पाएगा। तभी उसका नज़र उस स्टैचू पर पड़ता है और देखता है कि स्टैचू की आंखों से पानी गिर रहा है। स्वेलो बर्ड उस स्टैचू से कारण पूछना चाहती है। तब वो बताता है अपने जीवन के बारे में कि जब मैं राजकुमार था तो मैंने कभी कोई दुख तकलीफ़ नहीं देखा, लेकिन आज जब मैं लोगों को दुखी देखता हूँ तो मेरा मन दुखी हो जाता है। और चूँकि मैं स्टैचू हूँ, कहीं आ जा नहीं सकता, इसलिए चुपचाप मैं रो रहा हूँ। स्वेलो बर्ड तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा हेल्प कर देते हैं। तो वो उसका हेल्प कर देता है। धीरे धीरे स्वेलो बर्ड पर डे उसका हेल्प करता रहता है, वो उसका एक मैसेंजर की तरह काम करता है। इसी के चक्कर में उसकी दोनों आँखें, जो कीमती पत्थर का बना हुआ था, वो उसको भी दान में दे देता है। जब वो अंधा हो जाता है तब वो स्वेलो बर्ड क्या करता है कि अब वो डिसाइड करता है कि वो अब हमेशा के लिए प्रिंस के साथ रहेगा। वो
गरीब लोगों के कहानियों को या जो लोग गरीब होते थे वो प्रिंस को बताता था, और धीरे धीरे करते करते प्रिंस अपना सारा जो उसके ऊपर गोल्डन लिप्स लगे हुए थे वो सब दे देता है। और एक दिन ठंड से स्वेलो बर्ड उसी स्टैचू के पैरों के पास मर जाता है। मेयर घूमते घूमते आते हैं और वो देखते हैं कि अरे स्टैचू तो बड़ा ही भद्दा लग रहा है, अब इसका क्या किया जाए। तो लोग सजेशन देते हैं कि इसको गला दिया जाए और दूसरा काम कर दिया जाए। उसको गलाने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन उसका जो दिल है वो नहीं पिघलता है, तो उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, ठीक वहीं पर जहाँ पर स्वेलो बर्ड का डेड बॉडी फेंका हुआ रहता है। आसमान में गॉड ये देखते हैं और अपने एंजल से कहते हैं कि जाओ पृथ्वी से जाकर दो सबसे कीमती बहुमूल्य चीज़ ले आओ। एंजल आता है और वो जो लिट हैप्पी प्रिंस का जो ब्रोकन हार्ट होता है वो और स्वेलो का डेड बॉडी लेकर जाता है। भगवान उससे बहुत खुश होते हैं, कहता है कि सच में तुमने सबसे कीमती चीज़ चुना है, आज के बाद हैप्पी प्रिंस मेरे यहाँ हेवन में हमेशा हैप्पी रहेगा और ये बर्ड हमारे गार्डन में हमेशा चहचहाती रहेगी। तो इस स्टोरी के द्वारा यही संदेश दिया गया है कि हमेशा हमें असहाय जरूरी इन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी वैसे लोगों से बहुत खुश होते हैं जो लोग दूसरों की हमेशा मदद करते हैं। ठीक, ये स्टोरी का समरी था। धन्यवाद।